भारती सियाल, थैंक यू मैडम, दे दूंगी, मालूम है मुझे। हम बहुत हर्षित है कि गुजरात के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, वी आर प्राउड ऑफ यू। लेकिन हमारे गुजरात के साथ साथ हम थोड़ी हमारे क्षेत्र के बारे में भी माननीय मंत्री जी को बताना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरे भावनगर में भी एक पोर्ट है मैडम, ए पोर्ट ऐसा है पूरे एशिया में कि जहाँ लॉक गेट की सुविधा है, और सालों से हमारे यहाँ बहुत भारी मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन होता था, फर्टिलाइज़र, गेहूँ, लाइमस्टोन, कोयला आदि का चलता रहता था, और हज़ारों लोगों को आजीविका भी मिलती रहती थी। लेकिन सालों से हमारे भावनगर पोर्ट का वहाँ मड बहुत भारी मात्रा में जमा हो गया है और ड्रेजिंग नहीं हुआ है सालों से। इसकी वजह से ये लॉक गेट का भी हम पूरी तरह से यूज़ नहीं कर रहे और हमारे यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि हमारे ये भावनगर पोर्ट का जो मड जमा हुआ है वो ड्रेनेज करने की कुछ सोच रहे, जो कि हमारा लॉक गेट का पूरी तरह यूज़ हो सके और कम मात्रा में खर्च लगे ट्रांसपोर्टेशन का, और हमारे भावनगर के हजारों परिवारों को रोजी रोटी मिल सके। थैंक यू। स्पीकर महोदया, मेजर पोर्ट्स जो होते हैं वो भारत सरकार के अधीन होते हैं, जो माइनर्स पोर्ट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। माननीय सदस्य महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि ये पोर्ट गुजरात सरकार के अधीन है, फिर भी गुजरात सरकार को इसको डेवलप करने के लिए भारत सरकार से कोई सहयोग चाहिए तो पूरी तरह से हम सहयोग करेंगे, पर इसकी मालकी जो है वो गुजरात सरकार की है और इसको डेवलप करने का पूरा अधिकार उनका है। फिर भी उनको अगर कोई इसमें सहयोग चाहिए तो भारत सरकार पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, पर अधिकार गुजरात सरकार। अभिजीत मुखर्जी।